तो जैसे कि अपने सेकंड पार्ट के अंदर देखा था, जो ही क्लैन का लीडर होता है वो जियान को कुत्ता बोल रहा होता है, तभी उसी टाइम जो जियान होता है वहाँ पर पहुंच जाता है, मगर जियान उन लोगों पे ध्यान नहीं देता और सिलेन से बोलता है आके लिटिल फेट और क्रिस साथ ये सब क्या चल रहा है। जैसे जो सिलेन होती है वो सर से अपने सर को झुका लेती और बोलती की भाई जियान मुझे माफ कर देना। जैसे उनके जियान को गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए जियान समझ चुका था जो सिलेन की पोजीशन है अपने क्लैन के अंदर वो काफी वीक है, इस वजह से उसके कहने पे कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं जाता लिटिल फेट डॉक्टर को बचाने के लिए। मगर तभी गुस्से से एक एल्डर खड़ा हो जाता है और जियान से बोलते हैं आखिर तू है कौन और क्या कर रहा है मेरे क्लैन के अंदर, वो बिना बताए। माना कि हमारा जो भौकाल है वो काफी तक कम हो चुका है पिल रीजन के अंदर, मगर इतना भी नहीं, एक यंग जनरेशन का लड़का आकर बिना बताए हमारे क्लैन के अंदर घुसाएगा। ये सुन के उस एल्डर की तरफ देखते जब उसकी पावर को सेंस कर लेता और बोलता है रे ये तो एक डॉग्स होंगे, वो भी बनी स्टार का, मगर इसका जो औदा है वो ही क्लैन के अंदर काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर उस लीडर सीट की तरफ देखते जहाँ पर उसके औरे को भी सेंस कर लेता और बोलता है ये तो डॉग्स होंगे 6 स्टार पर है। मगर तभी जो सिलेन होती है जियान से बोलती है जियान अभी के लिए तो मेरे पीछे मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। इस उनके जो जियान होता है उन दोनों को ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि वो है ही नहीं है। पर सिलेन की तरफ जाने लगता और बोलता है जल्दी से मुझे सब कुछ बताओ लिटिल फेट डॉक्टर के साथ आखिर क्या हुआ है। जिस उनकी जो सिलेन होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है और कुछ बोलती है उससे पहले एक गुस्से में एल्डर खड़ा हो जाता है और उसे लड़के अभी के लिए बिना बताए तो हमारे क्लैन के अंदर घुसाया और हमें ही इग्नोर कर रहा है, ज्यादा वो मुड़ रहा है। और एक कुर्सी उठाता है और जियान में दी मारता है, मगर जैसे वो जियान के पास कुर्सी आती है तभी जियान अपने हाथ को बस मूव करता है, वो जल के एकदम राख बन जाती है। सब देखियो पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाती है और बोलते हैं लड़का भले काफी यंग है मगर इसका टैलेंट काफी अच्छा लग रहा है मुझे। वहीं पे जो एल्डर होता है वो और भी गुस्से में आ जाता है और बोलते कल पैदा हुए लड़के लगता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा टैलेंट है, मगर मैं तुम्हें आज सिखाऊंगा किस तरीके से लोगों से बात करते और कैसे इज्जत देते हैं। और जियान के सामने आ जाता है और अपनी ग्रीन कलर की फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। ये देख के जो सिलेन होती है उस एल्डर को रोकती है, मगर वो एल्डर सिलेन की बातों को नहीं सुनता है। तो सिलेन जियान से बोलती है कि पिता जियान अभी के लिए हम लोगों को यहाँ से जल्द से जल्द चलना चाहिए, मगर जो जियान था वो भी अभी के लिए काफी गुस्से में था लिटिल पेज डॉक्टर के मैटर को लेकर, इस वजह से वो भी सिलेन की बातों को इग्नोर कर देता। वहीं पे जो एल्डर था वो जियान से बोलता की लड़की आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा और फिर तुम्हें मैं तुम्हारे टीचर के हवाले कर दूंगा। और इस बात से एक बात क्लियर हो जाती है, जो एल्डर था वो बिल्कुल भी गंदा तो नहीं था, मगर उसकी हिकलेन की जो हालत है उसकी वजह से उससे अभी के लिए जियान के ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो यंग जनरेशन का लड़का और उसके क्लैन में बिना बताए घुसाया और उन सभी को ऐसे इग्नोर करा जैसे कि वो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और ये बात जब प्लीजन के लोगों को पता चलेगी तो उनकी जो इज्जत है वो बची कुछ वो भी नष्ट हो जाएगी। इस वजह से अभी के लिए जियान के ऊपर गुस्सा करा था और उसे बस सबक सिखाना चाहता था। अभी जो ही क्लैन का एल्डर था वो जाके जियान के ऊपर हमला कर देता अपने फ्लेम पंच से, मगर जियान बहुत ही आसानी उसके पंच को रोक लेता है और बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे सबक सिखा पाओ। और बोलती है वो उसको गोल गोल रानी कितना कितना पानी खिला देते और उसके पेट में एक लात चढ़ देता है, जिस वजह से वो जाके सीधा एक फर्नीचर में घुस जाता है और उसकी हालत होती है वो काफी खराब हो जाती है। ये देखती है वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी के मुंह फटे के फटे रह जाती है, यहाँ तक कि जो सिलेन होती है वो भी देख के काफी हैरान हो जाती है और बोलती मैं 1 साल पहले तो जियान से मिली थी, तब जो जियान भाई थे वो डाउंग पर थे, मुझे लगता था कि वो एक डाउजोंग लेवल की बॉडी से फाइट कर सकते हैं, मगर वो इतने तो पावरफुल हो जाएंगे कि वो अपने एक पंच के अंदर ही एक डाउजोंग लेवल की बनी स्टार को पछाड़ देंगे, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। पर और वो आखिर इतने कम टाइम के अंदर इतने पावरफुल कैसे हो गए। तभी जियान उस एल्डर की तरफ देखता और बोलता कि अब पता चला कि तुम्हारा हीक्लेन कितना ज्यादा डिक्लाइन क्यों कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी हरकतें बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भरा है कूट कूट के घमंड। और फिर जियान सिलेन से बोलता है कि सिलेन चलो अभी यहाँ से चलते हैं, और ये बोल के जियान मस्त स्टाइल मारते हुए वहाँ से जाने लगता, मगर तभी अचानक से हॉल के अंदर आती एक आवाज, यंग फ्रेंड अभी के लिए आप ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि आपने हमारे एक एल्डर को जख्मी कर दिया है और आप मुझे बताइए कि आपकी इस बदतमीजी के बाद भी हम आपको ऐसे कैसे यहाँ से जाने दें। जैसे जियान मुड़ जाता और पीछे मुड़ के देखता और उन एल्डरों को अच्छे से स्कैन करता और बोलता है अच्छा ये दोनों एल्डर डाउजों के 3 स्टार पर है। तभी जो लीडर पोजीशन पे बैठा हुआ बंदा होता है वो भी खड़ा हो जाता और बोलता है लड़की अभी के लिए हमारा जो प्लान है वो भले काफी कमजोर हो, मगर तुम्हारी इतनी बदतमीजी के बाद मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी ऐसे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आज भी मेरी पिल रीजन के अंदर काफी इज्जत है। जैसे निजन उस एल्डर की तरफ देखता और बोलता कि अभी के लिए इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, असली गलती तुम्हारे एल्डर की जिसके अंदर पहले चुनचुने काटी थी और उसने मेरे ऊपर पहले हमला किया था। और रही बाकी की बात तो अभी के लिए मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं कि मैं आपके साथ बैठ के यहाँ पे पंचायत कर पाऊँ, इस वजह से मैं आपके क्लैन के मेंबर सिलेन को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और आपको जो दिखाई पड़ रहा है वो कर लेना, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं जो मैं आपको जस्टिफाई करता फिर यहाँ की सिचुएशनों को, इस वजह से जो बाकी के मैटर वो बाद में आके तुमसे सॉल्व कर लूंगा। जैसे उनके दोनों एल्डर होते जिनका लेवल डाउजों के 3 स्टार पर होते वो काफी गुस्से में आ जाते और बोलते लड़के तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, इस वजह से सोच समझ के बोल। जो लीडर होता है वो भी गुस्से में आ जाता और बोलते कि अभी के लिए सिलेन हमारी क्लैन की मेंबर है और तुम मेरी बिना मर्जी के उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते, अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की इसका जो अल्जाम है वो तुम्हें काफी महंगा भुगतना पड़ेगा। मगर तभी जो सिलेन होती है बीच में आ जाती और बोलती ये वही इंसान है जो कि हमें वापस एल्डर की पोजीशन दिलवाने वाले, क्योंकि यही है वो इंसान जो कि कमाल के एल्केमिस्ट भी है। और अभी के लिए सिलेन नहीं चाहती थी कि उसके क्लैन के लोग जियान के ऊपर हमला करे, क्योंकि अगर जियान का दिमाग सटक गया और अगर उसने उन लोगों की मदद नहीं की तो फिर उनके तो मट्टी पलित होने वाली है। और ये ही क्लैन का लीडर जब जियान को देखता तो उसकी तो उम्मीद ही पूरी टूट जाती है और बोलता है ये इससे इतना बड़ा काम तो नहीं हो पाएगा, मगर फिर भी वो अपने गुस्से को पी जाते और जियान से बोलते कि मिस्टर जियान जैसा कि आप सिलेन के कहने पर यहाँ तक आए हो इस वजह से कृपया आप हमारे क्लैन के अंदर थोड़े दिनों तक रुके और हम लोगों को थोड़ा सा मेहमान नवाजी करने का मौका दें जिससे हमारे बीच में जो खटास आ चुकी है वो दूर हो पाए। जैसे निकिन जन बोलते कि आपका जो ऑफर वो काफी कमाल का है, मगर अभी के लिए अब मेरा कोई भी इरादा नहीं है आपकी कोई भी मदद करने का, और अगर बात सिलेन की नहीं होती तो मैं यहाँ पे कभी भी आता भी नहीं, और अभी के लिए मैं यहाँ पे सिलेन को लेने के लिए आया हूँ क्योंकि जो मैटर वो काफी सीरियस।
जीनियस है और मुझे अभी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने, इस वजह से सेलेन तो मेरे साथ जाएगी और आपसे जो हो पा रहा है वो आप कर लो। ये सुनकर जो लीडर होता है वो भड़क जाता है और बोलता है कि अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ से सेलेन को हमारे बिना परमिशन के लेके जाओ। और ये जो सेलेन होती है वो जियान से बोलती है, जियान भाई जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। और जियान सेलेन के साथ वहाँ से निकल पाता, उससे पहले जो दोनों एल्डर होते हैं वो आके जियान के सामने खड़े हो जाते हैं और जियान से बोलते कि लड़की अभी के लिए तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए और हमें बैठ के आपस में बात कर लेनी चाहिए, जैसा कि आप सेलेन के दोस्तों, अगर आपने कोई गलत फैसले तो आपके लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। मगर जियान के फेस पे तो कोई भी एक्सप्रेशन आती नहीं, क्योंकि अभी के लिए उसका दिमाग था वो खराब था और उसे अभी के लिए जल्द से जल्द लिटिल पिग डॉक्टर के पास पहुंचना है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर है। मगर तभी जियान सेलेन से बोलते कि सेलेन तुम मेरे पीछे, और वहां से उन दोनों एल्डर को इग्नोर करता और वहां से जाने लगता है। और ये जो सेलेन होती है वो भी जियान के पीछे जाने लगती है, क्योंकि उसे अभी के लिए ऐसा लग रहा था अगर उसने जियान की बात नहीं मानी तो फ्यूचर में जियान उसकी मदद नहीं करेगा। ये सुनते उन दोनों एल्डरों की ऊपर से नीचे तक जल जाती और बोलते बदतमीज लड़के, और वो दोनों डायरेक्शन से जियान के ऊपर हमला कर देते। मगर जियान तभी अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता है और उनकी हाथों से बच जाता है और बोलता है कि अड्डी वन पपेट। ये बोलती है जियान का जो अड्डी वन पपेट होता है वो बाहर निकल आता है और जियान उससे बोलते कि जाओ इनकी बैंड बजा दो। ये बोलती है जो अड्डी वन पपेट होता है वो जाकर उन दोनों में एक एक पंच जड़ देता है, जिस वजह से उनकी हालत होती है वो बस से बदतर हो जाती है और वो दहक उनकी उल्टियां दहक उनकी उल्टियां। और जितने भी ही क्लैन के लोग थे वो अभी के लिए अड्डी वन पपेट को देख के काफी डर चुके थे। और फिर जियान ही क्लैन के लीडर की आंखों में आंखें डाल के बोलता है, अब की बार किसी ने भी मेरे रास्ता रोकने की कोशिश की तो बंदा अपनी जान को हाथ से धो बैठेगा और फिर मैं 1% भी रहम नहीं करूंगा उसके ऊपर। क्योंकि जियान का जो अभी के लिए अड्डी वन पपेट है वो डाउ जोन की 8 स्टार तक पहुंच चुका है और वो किसी को बहुत ही आसानी से फेल भी सकता है। और जो अभी के लिए ही क्लैन का लीडर वो डाउ जोन के 6 स्टार पर है, इस वजह से वो भी आ जाता तो वो भी पीटा जाएगा यहाँ पर। वहीं पे जो लीडर था उसके भी पसीने छूट चुके थे अड्डी वन पपेट को देखकर और बोलते इतनी सी छोटी सी इसके अंदर इसके पास अड्डी वन पपेट कहाँ से आया, कहीं लड़का कोई बड़ी तोप तो नहीं है, मतलब जियान के पीछे कोई बड़ा बैकग्राउंड तो नहीं है। और जियान उस लीडर के डरे हुए फेस को देखता है तो अपने अड्डी वन पपेट को अंदर रख लेता और बोलता है, जैसा कि अभी के लिए मैं आपके फेस को देख के समझ पा रहा हूँ आपकी जो सारी शिकायतें मुझसे लेकर वो सभी दूर हो चुकी है, इसी वजह से अब क्या मैं सेलेन को यहाँ से लेके जा सकता हूँ। ये सुनकर जो बंदा होता है ग्रीट करते हुए बोलता है कि मास्टर जियान हमसे गलती होगी, प्लीज हम लोगों को माफ करें। और वो अभी के लिए इसलिए बोल रहा था क्योंकि जियान भले ही काफी यंग है मगर उसने डाउ जोन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया है और साथ ही उसके पास जो अड्डी वन पपेट है वो इतना पावरफुल है कि अकेले उसके क्लैन को तबाह कर सकता है। ये सुनकर जो जियान होता है वो हमें से ला देता और वहां से जाने लगता, तो सेलेन भी वहां से जाने लगती और अपने एल्डर को देखकर ग्रीट करती और बोलती है, एल्डर अभी के लिए मुझे जियान भाई के साथ जाना है और मैं जल्दी सारे मैटर सॉल्व करके वापस आ जाऊंगी। मगर वहीं पे जितने भी एल्डर और लीडर थे उनके तो बेचारे के डर के मारे मुंह फटे के फटे रह चुके थे और अभी के लिए उनके पास कोई भी जवाब नहीं होते, इस वजह सेलेन भी वहां से चली जाती है जियान के पीछे। और इसी के साथ ये जो पार्ट होता है वो यहीं पे खत्म होता है। मगर आपको आगे आने वाला है काफी मजा, क्योंकि जो आगे के एपिसोड है वो काफी खतरनाक होने वाले, क्योंकि आइस रिवर्स वैली बसेस जियान होने वाला है या फिर यूनसन बसेस आइस रिवर्स वैली, या फिर ये बोला जाए जियान बसेस प्रोटेक्टर वो, या फिर ये बोला जाए आइस रिवर्स वैली बसेस यूनर। और एक चीज तो भूल ही गया, क्योंकि इस पीछे हमें देखने को मिलने वाली क्यून मेडुसा भी एपिसोड के अंदर, नोवेल के अंदर तो कहीं नहीं मिलेगी। और आप लोग मुझे कमेंट में एक चीज बताना, अभी के लिए कुछ दिन पहले टेंसेंट एनिमेशन फेस्टिवल हुआ था जिसके अंदर काफी सारे नए डाउआ को अनाउंस किया गया, पुराने डाउआ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, तो मुझे उसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।